Okay, now I'm going to share the screen. Just wait for a minute. I think the screen is visible to everyone. Okay, first we discuss the syllabus that we covered in the previous lecture. सबसे पहले था इंफॉर्मेशन सिस्टम वो होता क्या है आफ्टर दैट द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम देन वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम ये कंप्लीट हुआ था उसके बाद द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वी हैव द डिफरेंट कंपोनेंट्स कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेटाबेस नेटवर्क एंड ह्यूमन रिसोर्स ये कंप्लीट हो गया था हमारा आफ्टर दैट द कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसेप्ट जिसमें तीन चीजें थी कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ये भी क्लियर हो गया था आई थिंक टुडे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज यूजर ऑथेंटिकेशन नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक यूजर ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग यूजर्स दैट रिक्वेस्ट एक्सेस टू ए सिस्टम नेटवर्क और ए डिवाइस Access control often determines user identity according to the credentials like username and passwords. Other authentication technologies like biometrics and authentication apps are also used to authenticate the user identity. Now, what is authentication means? We just identify that the particular user is authenticate or not. उसको confirm करना कि either The user जो request send कर रहा है वो authentic है कि नहीं होता क्या है in the companies we have the number of systems are there और उन number of system में we have the number of data is available on these systems अब कोई भी request जब उस system पे आती है first हम लोग उसको cross check करते हैं कि either the user is authentic or not if the user is authentic then हम लोग उसको grant कर देते हैं वो privileges otherwise हम लोग उसको discard कर देते हैं अब authentication होती क्या है कि यूजर को कंफर्म करना कि जो जिस सिस्टम से रिक्वेस्ट आई है ये वही सिस्टम वही यूजर वहां से ये रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा है फॉर एग्जांपल सपोज आई सेंड यू द मैसेज अब तुम लोग ये कंफर्म करोगे कि ये मैसेज मैंने ही सेंड किया है मेरी आइडेंटिटी को कंफर्म करोगे दिस इज कॉल्ड द यूजर ऑथेंटिकेशन क्लियर यूजर ऑथेंटिकेशन इज अ मेथड दैट कीप्स अनऑथराइज्ड यूजर्स फ्रॉम असेसिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन For example, user A only has access to the relevant information and cannot see the sensitive information of user B. Cyber criminals can gain the access to a system and steal the information when user authentication is not secure. For example, अब authentication होता क्या है? For example, जैसे तुम लोगों को अभी हमने मैंने link send किया Zoom का हम लोगों ने class schedule की schedule करने के बाद link तुम्हें send कर दिया तुम्हारे group में अब ऑथेंटिकेट कौन कौन है जो इस ग्रुप में है अब ये लिंक किसके साथ शेयर हुआ है जितने भी स्टूडेंट्स इस ग्रुप का पार्ट हैं वो सारे सभी के साथ ये लिंक जो है वो शेयर हो गया तुम लोग उस पर क्लिक करके उस क्लास को ज्वाइन कर जाओगे दूसरी चीज हम लोग ऑथेंटिकेशन कैसे कंफर्म करते हैं हमने क्या किया है कि तुम लोग कैसे लॉग इन करोगे विद योर नेम एंड यूनिवर्सिटी रोल नंबर व्हाट इट मींस तुम लोग जब भी लिंक पे ज्वाइन करते हो तो तुम्हें लिखा आता होगा लेट वेट अंटिल द होस्ट विल लेट यू इन वो मैसेज क्या आता है हमने वेटिंग रूम ऑन किया होता है वेटिंग रूम में हमें रिक्वेस्ट आनी स्टार्ट हो जाती है कि ये यूजर्स लॉग इन कर रहे हैं अब हम लोग उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं तुम्हारे नेम और रोल नंबर से जो नेम और रोल नंबर मैच कर जाता है हम लोग उसको अलाउ कर देते हैं वो ग्रांटेड कर उसको परमिशन ग्रांट हो जाती है वो एंटर कर जाता है और जिसको ग्रांट नहीं होती हम लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं तभी बार बार टीचर्स तुम लोग को कहते हैं कि लॉग इन विद योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर एंड विद योर नेम क्लियर This is called the user authentication. Now we have the different techniques to authenticate the user. अब हमारे पास different techniques होती हैं users को authenticate करने की वो techniques कौन कौन सी हैं? The first one is password based authentication. And this is a very simple. ये पढ़ने से पहले समझा देता हूँ. The simple one is, for example, you all have an account on your Facebook. तो Facebook पे तुम लोग अपने account पे कैसे login करते हो? With the help of two things, the username and the password. जिसके पास यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो वहां पे लॉगिन कर जाएगा जिसके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं होगा वो वहां पे लॉगिन नहीं करेगा
ये पहली आइडेंटिटी है. सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऑफर्स एन इजी वे ऑफ ऑथेंटिकेटिंग यूजर्स. इन पासवर्ड ऑथेंटिकेशन द यूजर मस्ट सप्लाई अ पासवर्ड फॉर ईच सर्वर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट कीप ट्रैक ऑफ द नेम एंड द पासवर्ड फॉर ईच यूजर टिपिकली ऑन ए सेपरेट सर्वर. वॉट इट मीन्स, सपोज वी हैव द 20 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास. आई जस्ट गिव द 20 यूजर नेम एंड पासवर्ड टू ऑल ऑफ यू. और तुम लोगों को बोल दिया कि अपने बाद में वन टाइम पासवर्ड है ये, इसको बाद में चेंज कर लेना. अब वो यूजर नेम की सभी की कॉपी मेरे पास पड़ी होगी. नेक्स्ट टाइम तुम लोग जब भी लॉग इन करोगे तो वो सर्वर से क्रॉस चेक करता है कि ये वाला यूजर नेम ऑथेंटिक था कि नहीं. अब सिर्फ और सिर्फ वो लॉग इन कर पाएगा सिस्टम में जिसके पास वो यूजर नेम और पासवर्ड होगा. हाँ, अगर तुम यही यूजर नेम और पासवर्ड किसी और के साथ शेयर करते हो तो वो भी तुम्हारे आईडी से लॉग इन कर जाएगा. क्लियर? तो पहला यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए द फर्स्ट टेक्निक इज पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन. एंड यू कैन ऑल्सो गिव एनी एग्जाम्पल. जैसे ये नीचे डायग्राम दिया हुआ है, अब डायग्राम को समझते हैं. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट स्टेप, यूजर एंटर नेम एंड पासवर्ड. तुम लोग ऐसे ही करते हो. फॉर एग्जाम्पल हम लोग फेसबुक पे लॉग इन कर रहे हैं. फर्स्ट वी राइट द यूजर नेम एंड द पासवर्ड. इन सेकंड स्टेप, क्लाइंट सेंड्स नेम एंड पासवर्ड अक्रॉस नेटवर्क. व्हेनेवर वी राइट यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉग इन, ऑटोमेटिकली द यूजर नेम एंड पासवर्ड दैट अक्रॉस द नेटवर्क दे गो थ्रू द डेटाबेस जहां पे हमारे यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर हुए पड़े हैं. थर्ड स्टेप, सर्वर यूजेस पासवर्ड टू ऑथेंटिकेट यूजर्स आइडेंटिटी. अब सर्वर क्या करते हैं, तुम्हारे यूजर नेम के साथ अलॉन्ग विद योर पासवर्ड उन पासवर्ड्स को मैच करते हैं. अगर तो पासवर्ड सेम होता है तो तुम्हें वो लॉग इन करवा देता है. अगर पासवर्ड गलत होता है तो वो क्या लिख देता है, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड. क्लियर? और फोर्थ स्टेप में, सर्वर ऑथराइज्ड एक्सेस फॉर ऑथेंटिकेटेड आइडेंटिटी. फोर्थ स्टेप में, इफ अवर पासवर्ड मैचेस तो वो इजिली हमें लॉग इन कर जाता है और हम लोग फेसबुक वाली वॉल पे लॉग इन कर जाते हैं. क्लियर? दिस इज द फर्स्ट मेथड. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ओके, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, तुम सभी को मैंने अनम्यूट मोड पे रख दिया है. ठीक है? इफ एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, एनी क्वेरी, तो यू कैन आस्क. तुम लोग पूछ सकते हो, बीच में अनम्यूट मोड पे हो, कोई भी अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है. म्यूट पे कोई भी नहीं है. अब क्लियर? नाउ लेट्स मूव फर्दर. द नेक्स्ट इज टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन. द फर्स्ट वन इज पासवर्ड बेस्ड, नेक्स्ट इज टोकन बेस्ड. टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन इज अ प्रोटोकॉल विच अलाउज यूजर्स टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी एंड इन रिटर्न रिसीव्स अ यूनिक असेस टोकन. During the life of the token, user then assess the website or app that can token has been issued for, rather than having to re-enter the credentials each time they go back to the same web page, app or any resource protected with the same. Kehta ab isme kya hai, token based pe hota kya hai, whenever a user try to log in, jo authenticated users hote hain, hamare authenticated users honge, suppose you all are the authenticated users, हम लोग तुम्हें एक टोकन इशू कर देंगे एंड विद द लाइफ टाइम ऑफ दैट टोकन. टोकन की लाइफ लाइन होती है. फॉर एग्जांपल द टोकन इज अवेलेबल फॉर द 2 आवर्स. नाउ व्हाट इट मींस, अब तुम लोग किसी भी वो कंपनी के किसी भी सिस्टम पे, किसी भी नेटवर्क पे, किसी भी ऐप पे या किसी भी वेब पेज पे जब भी लॉग इन करोगे तो क्रीडेंशियल्स ऐड करने की जरूरत नहीं है. क्रीडेंशियल्स मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड. नो नीड ऑफ एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड, जस्ट राइट दैट यूनिक टोकन नंबर. तुम लोग वो टोकन नंबर ऐड करते हो जो यूनिकली तुम्हें एलोकेट हुआ है और ऑटोमेटिकली वो चल पड़ता है. एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ, वैसे इसे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन एग्जांपल क्या है, ओटीपी. जब भी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग परचेज करते हैं, कुछ भी करते हो, तुम्हें एक ओटीपी आ जाता है और लिखा होता है दिस ओटीपी इज वैलिड फॉर 10 मिनट्स. तो होता क्या है कि तुम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी वो पेमेंट करने लगते हो, तुम लोग ओटीपी ऐड करते हो, तो वो ओटीपी की एक वैल्यू आ जाती है कि 10 मिनट के लिए वैलिड है. 10 मिनट के बाद उसको यूज करते हो तो वो कहता है इनवैलिड ओटीपी. फिर हम लोग नया ओटीपी मंगवाते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन इज बेस्ड ऑन दैट ओटीपी एट दैट टाइम. सेम विद इन दिस केस, अ टोकन, अ यूनिक टोकन इज इश्यूज टू द नंबर ऑफ यूजर्स एंड दे आर द यूनिक वंस. और जितना टाइम के लिए उसका लाइफलाइन है टोकन की, वो उतने टाइम के लिए किसी भी वेबसाइट को, वेब पेज को, नेटवर्क को, डेटाबेस को, सर्वर को दैट रिजाइड्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको जब भी एक्सेस करना है, no need to add the credentials, username and password add करने की ज़रूरत नहीं, just write the token number over there, वो उसकी identity बता देता है. clear?
Authentication tokens work like a stamped ticket. The user retain access as long as the token remains valid. Once the user logs out or quits an app, the token is invalid. Simple सा, वो तब तक valid, जब तक token valid है तब तक तुम्हारी activities valid है. जब वो token खत्म हो गया तो हमारी activities भी invalid हो जाएंगी. A best example is metro. अगर metro में किसी ने सफर किया तुम में से train में, हम लोग क्या है morning में ticket मिल जाती है metro की and that is valid up to शाम 5 बजे तक valid है. अब होता क्या, तुम लोग जहां मर्जी चले जाओ, जिस मर्जी ट्रेन में चले जाओ, उसमें हम लोगों ने वो जो है पैसे ऐड किए होते हैं उस टिकट में और उसकी लाइफलाइन बताई होती है कि आज के लिए वैलिड है. तो वो फुल डे में किसी भी वो मेट्रो वाली ट्रेन पे तुम लोग चले जाओ, सिंपली अपनी टिकट दिखा के ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है वो, और तब तक वैलिड है जब तक उसकी वैलिडिटी दी हुई है. अगर नेक्स्ट डे तुम लोग उसको यूज करोगे तो वो नहीं चलेगी, बिकॉज उसकी लाइफलाइन क्या थी, उसकी लाइफ क्या थी विद इन दैट पर्टिकुलर डे. क्लियर? सिमिलर टू द टोकन्स, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल पासवर्ड बेस्ड और सर्वर बेस्ड ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स. इट इज अ डिफरेंट, वो सबको पता है. वाई इट इज डिफरेंट, बिकॉज एवरी टाइम द यूजर नेम एंड पासवर्ड रिमेन्स द सेम, बट एवरी टाइम वेन एवर यू रिक्वेस्ट फॉर अ टोकन, एवरी टाइम यू रिसीव अ डिफरेंट टोकन, बिकॉज द टोकन्स आर यूनिक. टोकन्स ऑफर्ड अ सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटर हैव डिटेल्ड कंट्रोल ओवर ईच एक्शन एंड ट्रांजेक्शन. Why it is different? Because suppose करो तुम्हारे यूजर नेम पासवर्ड है, मेरे को पता लग गया पासवर्ड, या तुम्हें किसी का पासवर्ड लग गया पता, तो यू कैन सिंपली लॉग इन विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड. अब टोकन बेस्ड क्यों डिफरेंट है? बिकॉज वेन एवर आई एम ट्राइंग टू लॉग इन, अ यूनिक टोकन इज गिवन टू मी, वो वैलिड होगा उसी ट्रांजेक्शन के लिए. अगर तुम्हें वो टोकन नंबर लग भी जाता है पता है, उसके एक्सपायरी के बाद तुम लॉग इन करते हो तो नया टोकन नंबर आएगा, वो कहाँ पे आएगा, मेरी आईडी पे मेरे को रिसीव होगा. बट इन द केस ऑफ पासवर्ड, every time the username and the password remains the same. This is the difference between the password based authentication and token based authentication. Clear? Next, the biometric authentication. ये भी तुम लोगों ने movies वगैरह में देखी होगी, जैसे हमारे college में है, यहाँ पे हमारी attendance लगती है, वो biometric है, हम लोग thumbprint वहाँ पे जाते हैं. अब वो क्या है, सिंपल सा पढ़ाने से पहले बता देता हूँ. बायोमेट्रिक में होता क्या, सपोज हम सारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हम सभी की जो थंब इंप्रेशंस हैं वो स्कैन हुए होते हैं. अब तुम लोगों को पता होगा कि जितनी भी कंपनीज हैं वो आई कार्ड पे उनके उनके आई कार्ड स्कैन होते हैं और आई कार्ड से उनका एग्जिट और एंट्री वाला गेट ओपन होता है. तो गेट कब ओपन होगा, जब कोई वैलिड यूजर जिसके पास वो आई कार्ड होगा, जब उसको स्कैन करेगा ऑटोमेटिकली उसका गेट जो है वो ओपन हो जाएगा. व्हाट इट मींस, अनऑथराइज कोई वहां पे आ ही नहीं सकता, दरवाजा खुलेगा ही नहीं. कब खुलेगा, जब एक्सेस जो कोई परमिटेड ऑथेंटिकेटेड बंदा एक्सेस देगा. तो वो कौन है, जिनको जिन जो पर्संस या जो वर्कर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे और जिनके थंबप्रिंट हम लोगों ने पहले से स्कैन किए होंगे. सेम विद योर सेल फोन्स, बायोमेट्रिक लगाया था ना तुमने, फेशियल एक्सप्रेशन लगाए होते हैं या थंब इंप्रेशन लगाए होते हैं फोन पे. किसी और को अपना फोन दो, वो जितना मर्जी ट्राई करे नहीं खुलेगा जब तक तुम लोग नहीं चाहोगे. क्लियर? So biometric authentication refers to the security processes that verifies a user's identity through unique biological traits such as retinas, eyes, iris, vocal, facial characteristics and fingerprints. Biometric authentication systems store this biometric data in order to verify a user's identity when that user assesses their account. Because this data is unique to the individual users, biometric authentication is generally more secure than traditional form of multi-factor authentication. Cell phones sare use karte hain, thumb impression har kisi ne lagaya hota hai. Kehta hai ye sabse secure hai as compared to the previous two one. Tum logo bhi pata hai, tumhara password mere ko lag gaya pata, main tumhara phone khol sakta hu. But whenever you apply a thumb impression on your cell phone, nobody is going to open your cell phone until you scan your thumb impression on that particular phone. Sensor pe jab tak tum log scan nahi karoge apna thumb impression, tab tak कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन. द नेक्स्ट एंड आई थिंक द लास्ट इज द रिमोट यूजर ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन इज अ वे टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ स्पेसिफिक यूजर्स व्हेन दीज यूजर्स असेस अ रिमोट सिस्टम. आफ्टर यूजर हैज गेन्ड एक्सेस टू द रिमोट सिस्टम, ऑथराइजेशन इज अ वे टू रिस्ट्रिक्ट ऑपरेशंस दैट द यूजर कैन परफॉर्म. Remote user authentication is a mechanism in which the remote server verifies the legitimacy of a user over an insecure communication channel.
रिमोट यूजर ऑथेंटिकेशन मीन्स रिमोटली यूजर्स को ऑथेंटिकेट करना. वट इट मीन्स, सपोज अ सिस्टम दैट इज प्लेस्ड इन अवर कॉलेज, उसको मैं अपने घर से बैठे रिमोटली लॉग इन कर रहा हूँ. अब उस केस में क्या होता है, यूजर नेम और पासवर्ड होगा मेरे पास, या कोई टोकन होगा या कुछ भी होगा, एनी मेथड थ्रू विच आई एम ट्राइंग टू लॉग इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम. जब मैं कॉलेज वाले रिमोटली साइड पे जो सिस्टम पड़ा है उस पे लॉग इन होऊंगा, तो उस पे लॉग इन होने के बाद फर्स्ट दे रिक्वायर्ड टू थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम एंड पासवर्ड. आई हैव द यूजर नेम एंड पासवर्ड. व्हेनेवर आई एम लॉग इन ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड, देन द ऑथराइजेशन कम्स इन टू द प्ले. ऑथराइजेशन मीन्स नाउ जिस लॉग इन से मैं लॉग इन हूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने किया MCA अमित, अमित से मैंने लॉग इन किया. नाउ द ऑथराइजेशन कम्स इन टू द प्ले. ऑथराइजेशन मीन्स अब मेरे को कितनी MCA _ अमित वाले यूजर को कितनी अथॉरिटी मिली हुई है इस डेटाबेस को एक्सेस करने की, आइदर रीड ओनली, राइट ओनली, रीड और राइट ओनली. क्लियर? तो रिमोट यूजर ऑथेंटिकेशन वाले केस में whenever you are logging on that particular system, after that the authorization comes into the play, and depends upon that user login, the authorization can give you the access on the particular system. Clear? This is called the remote user authentication. This is all about the user authentications. Any query from your side? Kuch na samajh aaya ho, what is user authentication? What are the different methods of authentications? Anything that is not clear to anyone, just unmute yourself and raise your query. If everything is okay, then we move further. Okay, I think that everything is clear to everyone. Okay, that's good. Now we move further. Okay, now the authentication process is complete. The topic is complete. Now the next is security issues for users authentication. Now user authentication हमने पढ़ लिया. What is user authentication? होती क्या है, कैसे हम लोग users को authenticate करते हैं. Authenticate करने का मतलब confirm कैसे करते हैं कि ये valid user ही है. Now we have the number of security issues that are related with the user authentications. And what are these security issues? Let's discuss one by one. First, getting users to set strong passwords. पढ़ने से पहले बता देता हूँ, तुम लोग कोई भी वेबसाइट पे अपना यूजर नेम या अपना अपने आप को रजिस्टर करते हो तो वहाँ पे लिखा जाता है क्रिएट योर पासवर्ड. और जब तुम लोग पासवर्ड क्रिएट करते हो, सपोज अगर तुम लोग सिंपल पासवर्ड बनाते हो ना, जैसे मैंने बना दिया AMIT अमित 123, तो वहाँ पे ग्रीन लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन आ जाती है, योर पासवर्ड इज नॉट सिक्योर, ट्राई अगेन आ जाता है ना ऐसा. जैसे जीमेल पे भी बनाते हो तो वहां पे लिखा जाता है ट्राई अगेन यूज सम स्पेशल करेक्टर, यूज अपर केस लेटर, वहां पे मेंशन किया जाता है. वो किस लिए आता है, ताकि जितने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स हम लोग अप्लाई करेंगे उतना डिफिकल्ट होगा हैकर के लिए उस पासवर्ड को क्रैक करना. तुम लोग को बता दो, ब्रूट फोर्स अटैक होता है जो हैकर्स अप्लाई करते हैं. इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन. वो होता क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तुम लोगों ने पढ़ा होगा. वन बाय वन वो हर एक, इसको जैसे ABC के 26 अल्फाबेट्स है ना, 26 C 25 हो गया कॉम्बिनेशन में. और परमुटेशन में क्या है, वन बाय वन वो सारे कॉम्बिनेशन बना के चेक करेंगे. वो मैनुअली नहीं बनाते, सॉफ्टवेयर आते हैं. जितना इजी पासवर्ड होगा वो उतना इजी उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे. जितना डिफिकल्ट तुम लोगों ने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया होगा, एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंटेन्स सम कैपिटल लेटर्स, सम स्पेशल करेक्टर्स, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल एंड अल्फा न्यूमेरिक. क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स ही हम लोगों को हमेशा अप्लाई करने चाहिए, ताकि अगर कोई इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश भी कर रहा है तो इजीली उसको क्रैक ना कर सके. क्लियर? ओके. द पासवर्ड्स ऑफ 9 out of every 10 एम्प्लॉई कैन बी हैक्ड विद इन 6 hours. 10 में से 9 पासवर्ड के साथ 6 घंटे में हैक हो जाएंगे. क्यों? अगर इजी पासवर्ड बनाए होंगे. एंड 2/3 ऑफ पीपल यूज द सेम पासवर्ड फॉर मोस्ट ऑफ देयर अकाउंट्स. तुम लोगों ने भी यूज, तुम लोगों ने बनाया होगा ऐसे जीमेल पे, फोन पे, कहीं और पे सेम पासवर्ड्स अप्लाई किए होते हैं हम लोगों ने. जीमेल पे सपोज मेरा पासवर्ड ये है, मैंने याहू पे भी वही रखा होगा, फेसबुक पे भी वही रखा होगा, इंस्टा पे भी वही रखा होगा, तो वही चलता जाता है. जैसे फोन नंबर रख दिया अपना, एक्टिवे का नंबर रख दिया, अकाउंट नंबर रख दिया, डेट ऑफ बर्थ रख दी. तो हम लोग क्या करते हैं, कहता है इस तरह के इजी पासवर्ड्स हम लोग को नहीं रखने चाहिए, और कॉमन पासवर्ड्स नहीं होने चाहिए. सपोज यू हैव द 6 different accounts,
तुम्हारा एक पासवर्ड मेरे को लग गया पता, एंड यू आर यूजिंग सेम सिमिलर पासवर्ड फॉर ऑल दीज सिक्स एप्स, तो छह की छह ऐप मेरे पास आ गई तुम्हारी। हर किसी के लिए अलग पासवर्ड रखो एंड ट्राई टू बी मेक इट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, क्लियर? सो इमेजिन अ ब्लैक हैट हैकर स्टीलिंग दैट वन पासवर्ड एंड इट्स द सेम पासवर्ड फॉर योर ऑनलाइन बैंकिंग, तो ऑटोमेटिकली उसका सेम पासवर्ड सबके पास चला गया। यूजर्स वरी दैट दे विल फॉरगेट देयर पासवर्ड्स ऑल द टाइम इफ दे आर दे यूज द यूनिक पासवर्ड फॉर ईच ऑनलाइन अकाउंट दे सेटअप। दिस फियर डिटेक्टर them from the following their admins suggestions even if they know better. Most users don't know that they can safely store passwords on a password manager. So far it looks like admins haven't done much in telling users about password managers. So what it means kehta hum log kya karte hain ki hame yahi dar hota hai ki main different password rakhunga to kahin bhool na jaun, bhool gaya to fir mere ko usko बाद में फॉरगेट पासवर्ड करके सेट करना पड़ेगा ये का। तो हम वी आर यूजिंग द सिमिलर पासवर्ड फॉर नंबर ऑफ द वेबसाइट्स, बट इट्स नॉट अ राइट अप्रोच। ट्राई टू यूज अ यूनिक पासवर्ड फॉर एवरीवन। अगर एक पासवर्ड रखा होगा, एक क्रैक हो गया तुम्हारा, तो सभी के सभी क्रैक हो गए पासवर्ड्स, क्लियर? सो द फर्स्ट सिक्योरिटी इशू इज जस्ट ट्राई टू सेट द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। नेक्स्ट, encouraging users to implement 2FA for their accounts. 2FA means two factor authentication. वो हम सब apply करते हैं, सबके पास cell phones हैं, है ना? हम सभी ने cell phone पे lock लगाया होगा, वो हो गया पहला first factor. Second, WhatsApp खोलो, वहां पे fingerprint लगाया होता हमने, वो हो गई two factor authentication या two layer security जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक यूजर ने पासवर्ड एंटर करके वो सारा डेटा ओपन नहीं होगा, एक यूजर ने पासवर्ड एड करोगे तो मशीन इज विजिबल टू यू, बट उसमें जितनी भी नंबर ऑफ एप्स हैं उन सभी के अलग अलग पासवर्ड लगे हुए हैं, उनको भी पासवर्ड देकर तुम्हें वहां पे एक्सेस करना पड़ेगा, क्लियर? अकॉर्डिंग टू द गूगल इंजीनियर मोर देन 90% ऑफ जीमेल यूजर डू नॉट हैव 2FA इन देयर अकाउंट्स एट ऑल। अंडरस्टैंडेबल बिकॉज मोस्ट यूजर सी इट एज एन एक्स्ट्रा हर्डल टू एक्सेस देयर अकाउंट्स। अब जीमेल पे गया तुम लोग, जीमेल सिंगल पासवर्ड रखा हो सभी ने, टू फैक्टर में एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। वेन एवर यू आर लॉग इन ऑन योर जीमेल a similar message is displayed on your cell phones jahan pe gmail hogi, a number is appear on that, you can write that number in the gmail box, then your gmail will be login. wo two factor authentication hoti hai, pehli to ho gayi user ne password dal diya, but uske baad usne ek unique number pucha jo tumhare cell phone pe aayega, hum log usko enter karenge, uske baad wo gmail chalegi, clear? wahi example jo tum logon ko abhi maine bata di cell phone ki, pehle ek main lock rakha hota hai hum logon ne, wo open ho gaya, uske baad insta hai, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, जो भी है, लेकिन उसको ओपन करो अगली ऐप को, उस पर भी हम लोगों ने पासवर्ड लगाया होता है, तो वो हो गई 2FA, दैट इज कॉल्ड द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और टू लेयर ऑथेंटिकेशन, टू लेयर सिक्योरिटी, क्लियर? चलो नेक्स्ट, सो दे अवॉइड इट बट स्टिल दे वॉन्ट सिक्योरिटी, सो दे हैड रादर रिलाई ऑन द पासवर्ड मैनेजर्स बिकॉज दे मेक लॉग इन ऑटोमेटिक एंड रिक्वायर फ्यूअर हर्डल्स। व्हाइल अ पासवर्ड मैनेजर इज गुड, admins must let users know that the more security layers they use, the less likely they would be hacked. Jitni security options hum log zyada apply karenge, utna kam hoga ki hum log hamare wala account jo hai wo hack ho sakega, clear? to always try to implement more than one factors authentication factors, always 2, 3, 4, that depends upon the user, but at least you can use more than one ऑथेंटिकेशन फैक्टर। अगर एक होगा, एक किसी को लग गया पता, तो इजीली उसको क्रैकडाउन कर जाएगा, क्लियर? जैसे तुम लोगों, जैसे सर्वर पे है हमारा डाटा सारा, तुम लोगों ने क्या किया, यू कैन एंटर ऑन द सर्वर, यू हैव द यूजर नेम एंड पासवर्ड, तुमने कहीं से चुरा लिया या तुम्हें लग गया पता, यू सिंपली लॉग इन इन टू दैट सर्वर, बट वेन एवर यू आर क्लिकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर फाइल, अगेन दे आर आस्किंग फॉर द दैट पर्टिकुलर फाइल पासवर्ड, वो 2FA हो गया। अब उसका पासवर्ड नहीं पता होगा तो हम लोग नहीं कुछ कर सकते, एंटर कर गए हैं सिस्टम में, पर सिस्टम में जितना भी डेटा अवेलेबल है उस पर अलग पासवर्ड्स लगे हुए हैं, एंड दैट इज नॉट विद अस, जो हमारे पास नहीं है, नहीं है तो हम लोग वहां पे लॉग इन नहीं कर सकते, लॉग इन नहीं हो सकेगा तो हमारा डेटा स्टील नहीं हो पाएगा, टेम्पर नहीं हो पाएगा डेटा, ठीक है? नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग SMS स्पूफिंग। हैकर्स अंडरस्टैंड द पावर ऑफ 2FA एंड दे आर ट्राइंग हार्ड टू फिश देयर वे थ्रू द सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी। In study published by the Tycotic, 68% of black hat hackers said their biggest challenge is
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहता है। नाउ जो 2FA के बाद है ना, जितने भी नंबर ऑफ हैकर हैं, दे ऑल नो कि सारे बंदे 2FA यूज कर रहे होते हैं और उनको मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी को ब्रेक करके आगे जाना होता है। सिंगल कोई भी नहीं यूज करता आज के टाइम में। तो उस केस में, इन दिस केस SMS spoofing sound new to you. It's phishing technique that hackers use to gain control of their target's information or device. So these hackers would send an SMS to their targets and making it appear as if the message is coming from a target's trusted source. A trusted source could be their employer, senior executive, or finance department staff. For example, a hacker could send a message to your employer that appear to come from you, the admin, asking them to click a link to give some sensitive information. Your employees would click the link, believing the message came from you, and then unknowingly compromising their devices, share some sensitive data or both. So what it means, one layer security, har kisi ko pata hai ki jitne bhi number of users hain, they are using the 2FA. Ab hackers kya karte hain? SMS spoofing. SMS spoofing ka matlab they fish your data. वो करते क्या है, दे सिंपली सेंड यू द मैसेज, मैसेज तुम्हें चला जाएगा, अ लिंक इज देयर, और तुम्हें ये लगेगा ये लिंक कॉलेज की तरफ से आया है, सम योर ट्रस्टेड सोर्स। ट्रस्टेड सोर्स मींस या तुम्हारी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया, या तुम्हारे बॉस की तरफ से आया। यू जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड गिव योर डिटेल्स। जब तुम लोग लिंक पे क्लिक करते हो तो दो तरह की हैकिंग हो जाती है। द फर्स्ट, जब तुम लोग अपनी डिटेल्स को अपलोड करते हो, तुमने अपनी डिटेल्स उसको दे दी, या जब तुम लोग उस पर क्लिक कर जाते हो तो ऑटोमेटिकली जिस सिस्टम से तुम लॉगिन हुए हो वो सिस्टम शेयर हो जाता है हैकर के साथ। क्लियर? तो ये SMS स्पूफिंग, सिंपल एग्जांपल, वो आते हैं ना Amazon के 30 साल पूरे हो गए, इस वैगन व्हील को क्लिक करो, घूमो, जहां पे जाएगा तो Amazon फ्री गिफ्ट्स दे रहा है, इस तरह के मैसेजेस तुम्हें भी आते होंगे। वो बोट्स होते हैं, असल में होता पता क्या, वायरसेस होते हैं। हम लोग उस पर क्लिक कर देते हैं, ऑन द 25th एनिवर्सरी Amazon गिव दिस गिफ्ट टू द एवरीवन, हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद वो वैगन व्हील आता है, हम लोग उस पर भी क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद शूज निकल गए जी, मेरे स्केचर के शूज निकल गए। अब 5 जनों को ये क्लिक करना, 5 जनों को सेंड करना है ये। वो उसका मतलब क्या होता है कि जब तुमने उस पर क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो लिंक को तुमने एस्टेब्लिश कर दिया अपने सेलफोन पे, अब तुम्हारा सेलफोन इज विजिबल टू हैकर्स। तो ये चीज होती है वो सारी SMS स्पूफिंग जो होती है। क्लियर? नेक्स्ट, द सोशल साइन इन पजल, और ये तो तुम लोग सारे यूज करते हो सोशल साइट्स पे। इन द बिड टू इंप्रूव ऑथेंटिकेशन, डेवलपर्स इंट्रोड्यूस्ड सोशल मीडिया साइन इन। द आइडिया इज दैट यूजर्स वुड साइन इन टू द थर्ड पार्टी वेबसाइट एंड एप्स यूजिंग देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स लाइक लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर एंड जीमेल। दिस अरेंजमेंट इज प्रेटी सिक्योर, सो द प्रॉब्लम हियर इजंट विद द सिक्योरिटी ऑफ द प्रोसेस बट द कन्वीनियंस ऑफ द यूजर्स। कहता सोशल साइन इन पजल पे हम लोग क्या करते हैं, डेवलपर ने एक नया सोशल मीडिया साइन इन बना दिया जिसमें तुम लोग थर्ड पार्टी की वेबसाइट को यूज करके, थर्ड पार्टी वेबसाइट को यूज करके अपने अकाउंट्स पे लॉगिन करते हैं। डायरेक्ट लॉगिन हम लोग नहीं करते। डायरेक्ट लॉगिन का मतलब है थर्ड पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर लॉगिन, चाहे लिंक्डइन पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, ट्विटर पे कर रहे हो, डायरेक्टली हम लोग लॉगिन नहीं कर रहे। जब हम लोग डायरेक्टली लॉगिन करते हैं तो हैकर्स आर अवेलेबल। इफ द थर्ड पार्टी इज देयर, ही इज रिलायबल फॉर अवर सिक्योरिटी। वो हम लोग को रीडायरेक्ट करके हमारे अकाउंट पे लेके जाती है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द सोशल साइन इन पजल, जो आजकल चल रहा होता है। आजकल हम लोग वैसे जब भी लॉगिन करते हैं ना तो थर्ड पार्टी वेबसाइट से लॉगिन करते हैं एंड द एप्स यूजिंग देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स, और जितनी भी उनकी एप्स हैं, जैसे तुम्हारे सेलफोन पे अब एप्स आ गई हुई हैं, फेसबुक की ऐप होगी सभी के फोन पे, ट्विटर की ऐप होगी, जीमेल की ऐप होगी। या ऐसा तो नहीं करते गूगल पे जाके लिखते हो facebook.com, फिर फेसबुक खुलती है, फिर यूजर नेम डालते हो, फिर पासवर्ड डालते हो। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हमने ऐप डाउनलोड कर ली हुई है, ट्रस्टेड ऐप, ट्रस्टेड ऐप के थ्रू तुम लोग लॉगिन करते हो, वो ऐप डायरेक्टली तुम्हें वहीं पे लॉगिन करवाती है। तो बीच में इंटरमीडिएट कोई भी नहीं हुआ। जब इंटरमीडिएट नहीं हुआ तो हैकर के पास कम चांसेस है हमारे वाले अकाउंट में एंटर करने के। क्लियर? दिस इज द फोर्थ सिक्योरिटी, द सोशल साइन इन पजल। दिस इज ऑल अबाउट द सिक्योरिटी इश्यूज फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन। एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? यू ऑल आर ऑन अनम्यूट मोड, अनम्यूट कर सकते हो जब भी तुम करना चाहो अपने आप को। इफ एवरीथिंग इज ओके देन वी मूव फर्दर। ओके,
Okay, I think everything is clear to everyone. No query from your side. Okay, so we move further now. Okay, now the next topic is assess control. इसको पढ़ने से पहले वैसे समझ लेते हैं. What is assess control? To control the assess. What is assess? Suppose a system is there. तुम लोग लैब में आए. A number of systems are there. अब तुम्हें assess हम लोग कितना दे रहे हैं? तुम लोग उन फाइल्स को या तो अकेला पढ़ सकते हो जितना भी डाटा उसमें पड़ा है, या उस डाटा में एडिट कर सकते हो, या उस डाटा को अपडेट कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड असेस. और उस असेस को कंट्रोल करना इज कॉल्ड टू कंट्रोल द असेस. दिस माइट बी पॉसिबल कि तुम में से हमने तीन ग्रुप बना दिए बच्चों के. एक ग्रुप को हमने रीड ओनली असेस दे दिया कि भाई तुम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन जो भी आएगी उसको रीड कर सकते हो. दूसरे को रीड और राइट का असेस दे दिया. रीड और राइट का सेस है वो दूसरे ग्रुप वाले बच्चे उसको पढ़ भी सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द असेस कंट्रोल. असेस को कैसे कंट्रोल करना, किसको कौन सा सेस देना, किसको कौन सा सेस नहीं देना. क्लियर? ओके. इन द फील्ड्स ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी एंड द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, असेस कंट्रोल इज द सिलेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ असेस टू ए प्लेस और अ रिसोर्स. While assess management describes the process, the act of assessing may means consuming, entering or using. Permission to assess a resource is called authorization. Whether you are authorized or not. अगर तुम किसी चीज को करने के लिए authorized हो तो तुम लोग वो activity perform कर सकते हो. And to perform that activity means that you have the assess to perform this activity. तो तुम्हें वो control मिला हुआ है कि तुम लोग उस चीज को परफॉर्म कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी एग्जाम्पल है, बैंक्स में तुम लोग जाते होगे, लॉकर सिस्टम होते हैं ना वहां पे. तो व्हेनेवर यू वांट टू ऑपरेट योर लॉकर, तो बैंक का कोई सीनियर ऑफिशियली तुम्हारे साथ जाता है. एक चाबी उनके पास होती है, एक चाबी तुम्हारे पास होती है, लॉकर खोल देता है. ऐसा तो नहीं है जो बैंक में वो स्वीपर्स हैं या क्लर्क्स हैं वो जा रहे हैं वहां पे. नहीं, उनको वो असेस ही नहीं दिया हुआ है. वो असेस किसके पास होगा? आइदर द मैनेजर के पास या किसी हाई ऑफिशियल के पास. क्लियर? So this is called in our language, वो जो तुम्हें example बता दी. Suppose we have the servers, servers पे हम लोग assess कैसे देते हैं? कुछ को read only assess दे दिया, कुछ को read और write only assess दे दिया. जिनके पास read only assess है, they only read the data that is available on the servers. But someone who have a read and write assess, they can read the data and also they can update the data according to their self. Clear? Okay. Next, assess control is a fundamental component of the data security. That dictate who's allowed to assess and use company's information and resources through authentication and authorization. Assess control policies make sure users are who they say they are and they have appropriate access to the company data. कहता assess control में दो चीजें आ जाती हैं, authentication और authorization. पहली, कौन allowed होगा? जो authenticate है, जो authentic बंदे हैं, company के बंदे हैं, वो ऑथेंटिकेशन हो जाएगी. उसके बाद उनमें से देखो उनको ऑथराइजेशन है ये एक्टिविटी परफॉर्म करने की. फिर जिनको वो ऑथराइजेशन है एक्टिविटी परफॉर्म करने की, सिर्फ वही एप्रोप्रिएट असेस कर सकते हैं उन एक्टिविटीज के ऊपर. और वो असेस कौन कंट्रोल करेगा? असेस कंट्रोल पॉलिसीज. जैसे तुम्हें अभी एग्जाम्पल बता दी, एक ग्रुप को रीड ओनली असेस दे दिया और एक ग्रुप को रीड और राइट ओनली असेस दे दिया. अब रीड ओनली असेस ग्रुप वाले बंदे सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ भी राइट नहीं कर सकते. लेकिन जिनको असेस मिला हुआ है रीड एंड राइट का, वो सारा डेटा रीड भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं वहां पे. दिस इज ऑल अबाउट द असेस कंट्रोल. क्लियर? सॉरी. ओके, नाउ द असेस कंट्रोल प्रिंसिपल्स. देयर आर थ्री कोर एलिमेंट्स टू असेस कंट्रोल. ऑफकोर्स वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ आईटी सिक्योरिटी हियर, but the same concepts apply to the other forms of assess control always. We have the three core elements. The first one is identification. For assess control to be effective, it must provide some way to identify an individual. The weakest identification capability will simply identify someone as part of the vague, poorly defined group of users who should have access to the system, your username, your email signature, or even the key to the server closest provides some form of identification. The first core element is identification. And we all know what is identification. Kehta, in this case, first
आइडेंटिफाई द पर्सन कि जो वो शो कर रहा है वो वही बंदा है. मीन्स सपोज वी गिव द एक्सेस, जैसे तुम्हें एग्जाम्पल बताया हमने एक्सेस तुम लोगों को कैसे दिया, ऑथराइज कैसे किया यूजर नेम पासवर्ड से. अब भाई तुम अगर अपना यूजर नेम पासवर्ड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हो तो तुम्हारा फ्रेंड भी वो यूजर नेम पासवर्ड से वहां पे लॉग इन कर सकता है. वहां पे इमेज नहीं आ रही, फोटो नहीं आ रही वहां पे, लेकिन क्या आ कह रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड. तो वो यूजर नेम और पासवर्ड से सिंपली कोई भी बंदा विद अ वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड वो वहां पे लॉग इन कर सकता है. तो वो लॉग इन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑथराइज करते हैं, ऑथराइजेशन चेक करते हैं कि वेदर दिस वन इज ऑथराइज और नॉट. और उसकी आइडेंटिफिकेशन को चेक करने के लिए वी हैव सम यूनिक नेम्स, लाइक तुम्हारा यूजर नेम हो जाएगा, ईमेल सिग्नेचर जो होते हैं कॉमन वो हो जाएंगे, या कोई भी एनी की वो सर्वर क्लोजेस्ट ने प्राइवेट क्लोजेट ने तुम्हें प्रोवाइड की हो फॉर योर आइडेंटिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अ यूनिक आईडी नंबर इज गिवन टू यू. सपोज अ यूनिक आईडी नंबर AXZ गिवन टू मी, AXZ. Now what it means, I just enter username and password and then unique number, that is AXZ. वो तीनों के कॉम्बिनेशन से मैं एंटर करूंगा, then they come to know that हाँ अमित लॉग इन कर रहा है यहाँ पे. क्यों? XYZ या AXZ जो भी था, that is given to अमित. Clear? Identify करना कि जो लॉग इन कर रहा है वो वैलिड है भी कि नहीं. Second, authentication. Identification requires authentication automatically. आइडेंटिफिकेशन क्या है, किसी को आइडेंटिफाई करना ये वही है कि नहीं, बट उसके लिए क्या चाहिए, ऑथेंटिकेशन. भाई वो ऑथेंटिक बंदा भी तो होना चाहिए. जैसे तुम्हें अभी बताया यूजर नेम पासवर्ड तुम अपना मेरे साथ शेयर कर लो तो मैं भी लॉग इन कर जाऊंगा वहां पे. लेकिन अब वो आइडेंटिफाई हो गया कि ये यूजर नेम पासवर्ड ने लॉग इन किया, बट अब वो ऑथेंटिकेट करेंगे कि ये यूजर नेम पासवर्ड मिला था ABC को. अब ABC ही लॉग इन कर रहा है ना, कोई और तो नहीं लॉग इन कर रहा. दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट द आइडेंटिटी in use is authentic, that's it's being used by the right person, ki bhai right person hi us identity ko use kar raha hai. In its most common form of IT security, authentication involves validating a password linked to a username. Other forms of authentication also exist such as fingerprints, smart cards and encryption keys. Kehta ab is cheez ko authenticate karne ke liye identification ko authentication required hoti hai. ऑथेंटिकेशन का मतलब है पता करना कि ये राइट बंदा ही ऐड हुआ है या कोई और इसकी जगह आ गया. तो उसके लिए वी हैव द डिफरेंट मेथड्स, आइदर वी सेंड द सिक्योर कोड टू द यूजर. अगर सपोज मेरे लॉगिन से कोई और लॉगिन कर गया है तो सिक्योर कोड कहाँ पे आएगा, मेरे वाले सेलफोन पे. जैसे तुम्हारा कार्ड ATM कार्ड है, तुम्हें नेट बैंकिंग की एग्जाम्पल बताई, तुम्हारा ATM कार्ड कोई और यूज कर ले, जब वो ट्रांजेक्शन करेगा तो OTP आता है. OTP कहाँ पे आता है, रजिस्टर्ड सेलफोन पे. और रजिस्टर्ड सेलफोन कहाँ पे होगा, मेरे पास. अगर मेरा ATM गुम भी हो गया तो भी उसके लिए उसको OTP चाहिए. क्लियर? दिस इज कॉल्ड द ऑथेंटिकेशन. एंड नाउ द लास्ट इज द ऑथराइजेशन. द सेट ऑफ एक्शंस अलाउड टू अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी मेक्स अप द मेंट ऑफ ऑथराइजेशन. ऑन अ कंप्यूटर ऑथराइजेशन टिपिकली टेक्स द फॉर्म ऑफ रीड राइट एंड एग्जीक्यूटिव परमिशंस टाइड टू अ यूजर नेम. ऑथराइजेशन मींस अब भाई तुम्हें कितनी ऑथराइजेशन मिली हुई है, वेदर यू आर ऑथराइज्ड टू एडिट द डेटा और वेदर यू आर ऑथराइज्ड टू ओनली सी द डेटा. अब वो डिपेंड करेगा ऑथराइजेशन पे. जैसे एक ग्रुप को ओनली राइट ओनली, एक ग्रुप को रीड ओनली परमिशन मिली थी, तो उनकी अथॉरिटी क्या है, वो सिर्फ उस ग्रुप, वो ग्रुप वाले बंदे क्या कर सकते हैं, सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं. सेकेंड ग्रुप वालों को रीड और राइट मिली हुई थी, तो सेकेंड ग्रुप वाले बंदे क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं और उसको एडिट कर भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं उसमें. क्लियर? दिस इज कॉल्ड द ऑथराइजेशन. दे आर द मेन थ्री कोर एक्सेस कंट्रोल प्रिंसिपल्स. फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, रिपीट कर रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन में कंफर्म करना, आइडेंटिटी पता करना बंदे की, ये वही बंदा है जो लॉग इन कर रहा है. सेकेंड ऑथेंटिकेशन, जब आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म करने के लिए उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं कि जिस यूजर पासवर्ड से ये लॉगिन किया है ये ABC को दिया था, तो ABC ही लॉगिन कर रहा है या इसकी जगह कोई और तो नहीं लॉगिन कर रहा. थर्ड द ऑथराइजेशन, जब वो लॉगिन कर जाता है उसके बाद उस चीज डिपेंड करती है ऑथराइजेशन कि कितनी अथॉरिटी है, हाउ मच अथॉरिटी गिवन टू द पर्टिकुलर यूजर टू परफॉर्म द टास्क इन द कंपनी सर्वर, कि वो कितना काम कर सकता है. क्लियर? एनी डाउट या एनी क्वेरी भाई यहां तक?
एनीवन फ्रॉम योर साइड, अब तक जितना भी किया, कुछ भी अभी तक जो समझ ना आया हो, जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ और पूछ सकते हो कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट, अगर कुछ नहीं समझ आया तो। नो क्वेरीज, एवरीथिंग इज ओके, क्लियर है सबको? दैट्स गुड, फिर आगे चलते हैं हम लोग, है ना, अगर क्लियर है तो। ओके ओके, द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स। वैसे तुम लोग डीबीएमएस पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, वहां ये डीबीएमएस वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स, बट वो रिलेटेड टू अवर सिक्योरिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों को समझा दूंगा। क्लियर? नाउ, कंट्रोलिंग एक्सेस टू एनी रिसोर्स इन अ सिक्योर सिस्टम इन्वॉल्व्स टू एंटिटीज। द सब्जेक्ट ऑफ द एक्सेस इज द यूजर और अ प्रोसेस दैट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू असेस अ रिसोर्स। असेस कैन मीन्स रीडिंग फ्रॉम और writing to a resource. The object of an assess is the resource a user or process wants to assess. Keep in mind that the subject and object refer to some specific assess request. So the same resource can serve as a subject and an object in different assess request. ये थोड़ा सा confuse हो गए होगे तुम लोग, subject object में बता देता हूँ। Suppose I am trying to assess some resources. I am the owner, I am the object and resources are the subject. अब क्लियर हो गया होगा, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट क्या होता है? कहता होता क्या है, समवन आस्क फॉर समथिंग। सपोज यू सेंड, तुम लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट सेंड की कि सर ये वाले नोट्स हमें भेज दो। यू आर द ऑब्जेक्ट जिसने रिक्वेस्ट सेंड की, द ऑनर, और जो नोट्स हैं वो तुम्हें चाहिए, नोट्स रिसोर्स हैं, तो वो बन गए सब्जेक्ट्स। क्लियर? कहता आप कई कंडीशन में ऑब्जेक्ट बिहेव लाइक अ सब्जेक्ट। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, प्रोसेस ए मे आस्क फॉर डेटा फ्रॉम प्रोसेस बी। टू सेटिस्फाई प्रोसेस ए'ज रिक्वेस्ट, प्रोसेस बी मस्ट आस्क फॉर डेटा फ्रॉम प्रोसेस सी। इन दिस एग्जांपल, प्रोसेस बी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट रिक्वेस्ट एंड द सब्जेक्ट फॉर द सेकेंड रिक्वेस्ट। अब मैं तुम्हें अपने तरीके से समझाता हूँ। सपोज ए ने रिक्वेस्ट सेंड की बी को, कोई डेटा रिक्वेस्ट सेंड की। अब वो डेटा पड़ा हुआ था सी के पास, बी ने सेंड कर दी सी को। जब बी ने सी को डेटा वो रिक्वेस्ट सेंड की, तब वो बन गया सब्जेक्ट। लेकिन जब ए ने बी को सब्जेक्ट की हुई थी, तब वो बन गया हुआ था ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये चीज समझ आई कि नहीं सर? ये रिपीट करना। ओके, पहले एग्जांपल बताता हूं, फिर पहले एग्जांपल समझ लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कहता प्रोसेस ए में आस्क सम डेटा फ्रॉम प्रोसेस बी। ए ने डेटा रिक्वेस्ट सेंड की बी को। अब उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए बी ने रिक्वेस्ट सेंड कर दी सी को, वो डेटा सी के पास पड़ा हुआ था। कहता अब प्रोसेस बी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट रिक्वेस्ट। पहली रिक्वेस्ट में क्या था, ए ने डेटा सेंड किया था बी को, तो बी पहले ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन बाद में बी ने सेंड की सी को, तो बी मेन हो गया ना, तो बी बन गया सब्जेक्ट। क्लियर? ये समझ आया कि नहीं? यस सर। कोई और भी भाई जिसको नहीं समझ आया, मैं कोई और एग्जांपल से समझा दूंगा, लेकिन समझ लेना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? वो चलो वेट, मैं तुम्हें एक और एग्जांपल बताता हूँ, क्यों ये समझ आना जरूरी है। सपोज ये तुम्हारी पार्टिसिपेंट से नाम बोलूंगा मैं, सपोज मैंने रिक्वेस्ट सेंड की ये अंकिता को, अंकिता नाम आ रहा है यहाँ पे, मैंने अंकिता को कहा कि मेरे को नोट्स सेंड कर दो। क्लियर? अब वो नोट्स पड़े हुए थे दीक्षा के पास, अंकिता ने रिक्वेस्ट सेंड कर दी दीक्षा को। क्लियर? जब अंकिता ने दीक्षा को रिक्वेस्ट सेंड की, उस टाइम पे अंकिता थी सब्जेक्ट। क्लियर? लेकिन जब मैंने अंकिता को रिक्वेस्ट सेंड की, तब सब्जेक्ट मैं था, तो अंकिता क्या थी? ऑब्जेक्ट। मींस सेम एंटिटीज सब्जेक्ट भी बन सकती हैं, ऑब्जेक्ट भी बन सकती हैं। क्लियर? अब बताओ किसी को कोई डाउट है तो। नो सर। गुड, बाकी भी कहीं पे भी डाउट होगा तो बता देना, ठीक है? समझ तुम लोगों को आएगा
तभी आगे चलेंगे, तभी मतलब ठीक होगा। ओके, अब डेफिनेशन है वही जो तुम्हें बताई, सब्जेक्ट। अ सब्जेक्ट मे बी अ यूजर, अ नेटवर्क इटसेल्फ, अ प्रोसेस रनिंग ऑन अ कंप्यूटर और एप्लीकेशन दैट रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ रिसोर्स। और ऑब्जेक्ट क्या है? रिसोर्स दैट अ सब्जेक्ट वांट टू यूज। सपोज यू वांट टू यूज द नोट्स दैट आर अवेलेबल विद मी, यू आर द सब्जेक्ट, नोट्स आर द ऑब्जेक्ट, जो मेरे पास पड़े होंगे। मैंने आगे किसी टीचर से लेके देने हैं, तो उस केस में जब मैं आगे किसी टीचर से मांगूंगा तो मैं सब्जेक्ट बन जाऊंगा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। क्लियर? ओके, असेस राइट्स आर द परमिशंस एन इंडिविजुअल यूजर और अ कंप्यूटर एप्लीकेशन होल्ड टू रीड, राइट, मॉडिफाई, डिलीट और अदरवाइज असेस अ कंप्यूटर फाइल, चेंज कॉन्फिगुरेशंस और सेटिंग्स और एड और रिमूव एप्लीकेशंस। और शायद लाइट चली गई है, मे बी अगर ये क्लास बंद होती है तो हम लोग ज्वाइन रहोगे, मैं ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाऊंगा, लेकिन जब लाइट वापस आएगी तो मैं कनेक्ट कर जाऊंगा। क्लियर? कोई भी क्लास को वो लीव नहीं करेगा, जब तक चल रही है तब तक चलने देते हैं। क्लियर? कहता है असेस राइट्स क्या है कि तुम, जैसे फॉर एग्जांपल आई आई एम गोइंग टू गिव द असेस राइट टू यू, तुम सारे स्टूडेंट्स को कौन कौन से असेस राइट दे सकता हूँ। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन मी टू गिव द डिफरेंट असेस राइट्स। असेस राइट्स हैं कौन कौन से? ओके, आई एम बैक, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। Okay, this one. Okay, let's start. Assess rights. Assess rights में वही आ गए. We have the different type of assess rights. किसी को read, write, modify, delete और assess the computer file. इस तरह के assess हैं. Then that can be given by the administrator. Clear? Now, administrative assess. Administrative assess means all rights to all files in a container. Container means in a database. Suppose I am the administrator. तो मेरे पास सारे assess होंगे. Because वो उसको बनाया ही मैंने. नंबर ऑफ फाइल्स मैंने क्रिएट की नहीं है, फोल्डर्स मैंने बनाया, सर्वर मैंने बनाया, तो ईच एंड एवरी असेस इज अवेलेबल टू मी। क्लियर? एडमिनिस्ट्रेटिव असेस होती है। सेकंड, ऑथर असेस, रीड एंड राइट असेस और ऑल राइट्स बट ओनली टू द फाइल्स यू ओन इन द आइदर केस। नाउ ऑथर असेस मीन्स सपोज यू मेक सम फाइल, तुमने कोई फोल्डर बनाया तो यू आर द ऑथर ऑफ दैट फोल्डर, तो उस फोल्डर के जितनी भी फाइल्स होंगी उनका रीड राइट सारे असेस तुम्हारे पास होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो तुमने क्रिएट की है, जो बाकियों ने क्रिएट किया उसके असेस नहीं होंगे। मैं एडमिन हो गया, तुमने जो फाइल्स बनाओगे तुम लोग उसके ऑथर होगे, और ऑथर को सारी असेस होती है अपनी फाइल की। क्लियर? नेक्स्ट, रीड ओनली असेस, रीड असेस बट नन ऑफ दी अदर राइट्स। रीड ओनली में ओनली यू हैव द रीड असेस, यू कैन ओनली रीड दैट पर्टिकुलर फाइल,
no other access can be given to you. Clear? Last, no access. Just like it sounds, no write to any file in the container. If someone have no access, he or she cannot be able to access any single file in a container. Container means or in a server. Clear? तो ये चारों पता होने चाहिए तुम्हें. रिपीट कर रहा हूं तुम्हारे लिए. एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसको क्रिएट करेगा सारे एसेस होंगे उसके पास. सेकंड हो गया ऑथर. ऑथर तब तुम लोग बनोगे जो फाइल तुम क्रिएट करोगे उस फाइल के तुम ऑथर होगे. तुम्हें सारे एसेस होंगे. सपोज मैंने कोई फाइल बनाई तुम उसके ऑथर नहीं हो तुम्हें उसके एक्सेस नहीं मिलेंगे. थर्ड रीड ओनली. रीड ओनली का मतलब सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं बाकी कुछ नहीं कर सकते. लास्ट नो एसेस. नो एसेस का मतलब है तुम लोग किसी भी डाटा को टच भी नहीं कर सकते. ना उसको ओपन कर सकते हो ना खुल डिलीट कर सकते हो ना उसको रीड आउट कर सकते हो. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द एसेस कंट्रोल. आई थिंक द एसेस कंट्रोल इज क्लियर टू एवरीवन. एनी क्वेरी इन एसेस कंट्रोल फ्रॉम योर साइड? एनी क्वेरी? अगर कोई क्वेरी है अनम्यूट योर सेल्फ बोल सकते हो उसको डिस्कस कर लेंगे. अगर कोई भी क्वेरी नहीं है देन इट्स ओके. देन वी मूव फर्दर. नो सर. ओके गुड. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. आई सिंपली चेक द पीपीटी. ओके ओके द नेक्स्ट डिस्क्रेशनरी असेस कंट्रोल. द नेक्स्ट असेस कंट्रोल नेम इज डिस्क्रेशनरी असेस कंट्रोल और डैक डीएससी. क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद दिस. अ डीएससी इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी असेस कंट्रोल दैट ग्रांट्स और रिस्ट्रिक्ट्स ऑब्जेक्ट असेस वाया एन असेस पॉलिसी डिटरमाइंड बाय द ऑब्जेक्ट्स ऑनर ग्रुप और सब्जेक्ट्स. ये लाइंस ध्यान से समझ लेना. कहता डैक इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी असेस कंट्रोल जो या तो ग्रांट करेगा परमिशंस को या रिस्ट्रिक्ट करेगा. किनको? ऑब्जेक्ट्स को. ऑब्जेक्ट्स क्या थे? रिसोर्सेज. ऑब्जेक्ट्स को रिसोर्सेज को ग्रांट या रिस्ट्रिक्ट करेगा वाया एन असेस पॉलिसी. कोई भी असेस पॉलिसी जो बनी होगी डिटरमाइंड बाय द ऑब्जेक्ट्स ऑनर ग्रुप. ऑनर ग्रुप का मतलब जो ग्रुप उसने क्रिएट किया होगा और सब्जेक्ट्स. सपोज मैंने कोई ग्रुप्स क्रिएट किए होंगे तो जो उसकी असेस पॉलिसी होगी उसके थ्रू डैक क्या करेगा? या तो रिसोर्सेज को ग्रांट करेगा अवेलेबल करवा देगा या उनको रिस्ट्रिक्ट कर देगा उनको अवेलेबल नहीं करवाएगा. दिस इज डन बाय द डिस्क्रेशनरी असेस कंट्रोल. क्लियर? डैक मैकेनिज्म कंट्रोल्स आर डिफाइंड बाय द यूजर आइडेंटिफिकेशन with supplied credential during authentication such as username and password and that is similar to everyone. कहीं पे भी कोई भी identification होगी तो वो username password से ही हम लोग करते हैं. same in the case of DAC. clear? DACs are discretionary because the subject means the owner can transfer authenticated objects or information access to other users. कहता है ये discretionary क्यों है? क्योंकि ऑनर सपोज आई एम द ऑनर आई एम द सब्जेक्ट मैं आई कैन ट्रांसफर ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट्स और इंफॉर्मेशन एसेस टू अदर यूजर्स. तुम्हारे बीच में कोई भी ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट्स और इंफॉर्मेशन को एक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं इन बिटवीन यू. वो कौन कर सकता है? ओनली द सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट कौन है? द ऑनर. क्लियर? इन अदर वर्ड्स द ऑनर डिटरमाइंस ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रिविलेजेस. In other words, the owner is responsible for everything. He can assess the privileges in between the users. Suppose agar main owner hu to discretionary access control kya hota hai ki uski help se main in between you koi bhi authenticated objects or information ko access karwa sakta hu to the other users. Other users kaun se? Tum sare. Clear? So in other words, we can also say that the owner determines object access privileges. Everything is depends upon the owner. Clear?
in DAC, each system object has an owner. Each system object, and system object means कोई भी डेटा या फाइल, वो तुम्हें पहले बता दिया मैंने, अगर तुम लोग किसी फाइल को क्रिएट करते हो तुम लोग ऑथर बन जाते हो, उस केस में ऑथर था, तुमने क्रिएट की तो यू आर द ऑनर, इफ यू आर द ऑनर यू आर द सब्जेक्ट, तुम सब्जेक्ट हो उस डेटा के, क्लियर। एंड ईच इनिशियल ऑब्जेक्ट ऑनर इज द सब्जेक्ट दैट कॉजेज इट्स क्रिएशन, हर ऑब्जेक्ट जो है एज ए सब्जेक्ट बिहेव करेगा व्हेन इनिशियली इट क्रिएट दैट पर्टिकुलर फोल्डर। दस द ऑब्जेक्ट एक्सेस पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय द ऑनर, तो ऑटोमेटिकली उन ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स कौन से, रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिनको मैंने बनाया तो मैं सब्जेक्ट बन गया, वो रिसोर्सेज बन गए, तो वो रिसोर्सेज डिफाइंड कौन करेगा, मैं कौन हूं, द सब्जेक्ट और द ऑनर, क्लियर। अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ डैक इज द यूनिक्स फाइल मोड व्हिच डिफाइंस द रीड राइट एंड द एग्जीक्यूट परमिशन इन ईच ऑफ द थ्री बिट्स ऑफ ईच यूजर ग्रुप एंड अदर। कहता द बेस्ट एग्जांपल इज यूनिक्स फाइल, जैसे ये तुम लोगों ने सुना होगा, तुम लोग जब डीबीएमएस में पढ़ते हो, यूजर ग्रुप और अदर्स होते हैं, एक हो गया ऑनर, फिर यूजर जो उसको उसको यूज करेंगे, फिर ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स एंड अदर्स जिनको कोई भी परमिशन नहीं देते, क्लियर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ डिस्क्रिशनरी में, इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड रेज योर क्वेरी, अदरवाइज वी कैन मूव फर्दर। सर डैक का मीनिंग रिपीट करना एक बार। किसका, डैक का, डैक, yes. डैक है क्या, डिस्क्रिशनरी असेस कंट्रोल है। अब असेस कंट्रोल सबने पढ़ा है कि कितना असेस किसको देना है उसको कंट्रोल करना, अब ये उसकी एक टाइप होगी डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये सब्जेक्ट के साथ काम करती है, सब्जेक्ट कौन हो गया, जैसे मैं ऑनर, मैंने कोई भी फाइल या फोल्डर बनाए तो उसका एक्सेस अदर यूजर्स को मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डैक। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल के अकॉर्डिंग मैं वो असेस को तुम्हारे बीच में कंट्रोल कर दूंगा। कंट्रोल करने का मतलब है कईयों को रीड ओनली दे दिया, कईयों को राइट ओनली दे दिया, ये एक मेथड है, असेस कंट्रोल की एक टेक्निक है, एंड दैट वर्क्स विद द सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट मींस द ऑनर, क्लियर। यस सर, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सो वी मूव फर्दर। अगर कहीं पे क्वेरी होगी बार बार रिपीट करता हूं, बता दिया करो, ठीक है। ओके, डैक एट्रीब्यूट्स, अब ये इसके एट्रीब्यूट्स आ गए, यूजर में ट्रांसफर ऑब्जेक्ट ऑनरशिप टू अनदर यूजर, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ऑनरशिप किसी को भी दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या था, द रिसोर्सेज, मैंने एक फोल्डर बनाया, सेम टाइम पे डैक की हेल्प से मैंने उस फोल्डर की ऑनरशिप दे दी किसी और को, ऑनरशिप का मतलब जिसको ऑनरशिप दे दी वो ऑनर बन गया, जो ऑनर बन गया उसके बाद सारी एक्सेस आ गई, सारी परमिशंस आ गई, यही पढ़ा था ना हमने, ऑनर के पास सारी परमिशंस होती हैं, ये पहला एट्रीब्यूट हो गया उसका। सेकंड, यूजर में डिटरमाइन द असेस टाइप ऑफ अदर यूजर्स, अब यूजर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं दूसरे की असेस टाइप्स, कि उनको 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 कौन कौन सी असेस टाइप मिली हुई है, वो कैसे पता कर सकते हैं, बिकॉज जितनी भी असेस टाइप उनको एलोकेट हुई है वो किसने की है, सब्जेक्ट ने, बिकॉज डैक वर्क्स विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट एंड दैट इज अवेलेबल टू एवरीवन, क्लियर। After several attempts, authorization failure restrict user access. ये नया फीचर ऐड कर दिया था, जैसे तुम वो नेट बैंकिंग यूज करते हो उसमें फीचर आता है ना, तीन बार लॉग इन करते हो पासवर्ड सही नहीं डालते हो वो बता देता है कि ये तुम्हारी लास्ट टर्न है, अदरवाइज तुम्हारा जो अकाउंट है वो 24 आवर्स के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसमें भी ऐसा ही है, आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट ऑथराइजेशन फेलियर, अगर ऑथराइजेशन फेलियर हो जाता है, यूजर ने पासवर्ड नहीं मैच करता तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है यूजर के एक्सेस को, क्लियर। फोर्थ, unauthorized users are blind to object characteristics such as file size, file name and directory path. Unauthorized users जो हैं वो blind means उनको कुछ भी पता नहीं होता files के बारे में, क्या उनका file size है, क्या file का name है, directory path मतलब वो file कहाँ पे जाके save है, क्यों, because everything is available for authorized user, unauthorized के लिए कोई भी चीज़ available नहीं होती, clear। Last, ऑब्जेक्ट असेस इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग असेस कंट्रोल लिस्ट ऑथराइजेशन एंड बेस्ड ऑन द यूजर आइडेंटिफिकेशन और ग्रुप मेंबरशिप, ये तो ऑटोमेटिकली है कि जो ऑब्जेक्ट असेस है वो कैसे कहां से डिटरमाइन होगा, यूजिंग ACL, ACL मीन असेस कंट्रोल लिस्ट। सपोज आई हैव द असेस कंट्रोल लिस्ट, उस असेस कंट्रोल लिस्ट में सबके पास लिखा होगा
कि इसको ये वाले सेस हैं, इसके ये वाले सेस हैं, इसके ये वाले सेस हैं। तो डिपेंड्स अपॉन दीज असेस हम लोग इजीली ऑथराइज कर सकते हैं, ये बंदे ऑथराइज है रीड ओनली के लिए, ये बंदे ऑथराइज है रीड और राइट दोनों के लिए। क्लियर, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ डैक। नाउ डैक इज इजी टू इंप्लीमेंट एंड इंट्यूटिव बट हैज सर्टेन डिसएडवांटेजेस। कहता इट्स वेरी इजी टू इंप्लीमेंट। इजी टू इंप्लीमेंट क्यों है? बिकॉज रिपीट कर रहा हूं, डैक ऑलवेज वर्क विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज इक्वल टू द ऑनर एंड ऑनर मीन्स हु क्रिएट द फाइल्स एंड विद द हेल्प ऑफ डैक द ऑनर कैन गिव द ऑनरशिप टू द टू ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल टू एनी वन। बनाई फाइल मैंने है, मैं तुम्हें भी उसका ऑनर बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डैक। दैट्स वाई इट्स नेम इज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस को डिस्क्रिशनरी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। क्लियर नाउ, बट दे हैव सम कहता डिसएडवांटेजेस आल्सो। द फर्स्ट इनहेरिएंट वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटी मींस इजी टू क्रैक, ट्रोजन हॉर्स, वायरस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ACL मेंटेनेंस और कैपेबिलिटी। ACL क्या थी? असेस कंट्रोल लिस्ट, उसको मेंटेन करना पड़ता है कंप्लीट को। मेंटेन करने का मतलब है जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स हैं, ग्रुप्स हैं, ऑनर्स हैं, ऑथर्स हैं, वो सभी की लिस्ट को मेंटेन करना पड़ेगा। फिर उनके बाद देखना पड़ेगा कौन से यूजर को या कौन से ऑनर को या कौन से ग्रुप को कौन कौन सी प्रिविलेजेस दी हुई है। क्लियर, नेक्स्ट ग्रांट एंड रिवोक परमिशन मेंटेनेंस। अब किसको कौन सी परमिशन ग्रांट करनी है, जब किसको कोई परमिशन देनी है तो उसको ग्रांट कर देना, जब उसे वापस लेनी तो उसको बोलते हैं रिवोक करना। अब उनको मेंटेन करके रखना कि कौन से टाइम पे किस यूजर को कौन कौन से रिसोर्सेज की परमिशन ग्रांट कर रहे हैं, और जिनको ग्रांट कर चुके हैं उनमें से उन यूजर में से वो परमिशन को रिवोक कब करना है। क्लियर, लास्ट लिमिटेड नेगेटिव ऑथराइजेशन पावर। लिमिटेड नेगेटिव ऑथराइजेशन पावर का मतलब है ऑथराइजेशन पावर शुड बी लिमिटेड, बिकॉज अगर ऑथराइजेशन पावर ज्यादा होगी, इफ आई गिव यू द ऑथराइजेशन पावर टू एनी वन ऑफ यू, इफ यू आर द ऑथराइज्ड तो तुम लोग कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो उस सर्वर में, बिकॉज यू आर ऑथराइज्ड एंड यू आर ऑथराइज्ड विद सम पॉलिसीज। तो ऑथराइजेशन पावर को हमेशा हम लोग लिमिटेड रखते हैं। लिमिटेड का मतलब है वही चीज आ गई, असेस कंट्रोल। असेस कंट्रोल जितना रिक्वायर्ड है हम लोग उतना ही अवेलेबल करवाते हैं उन यूजर्स को जितना उनको चाहिए। अगर हमने सपोज सारे यूजर्स को अगर हम लोग ऑनरशिप वाली मेंबरशिप दे दें, व्हाट इट मींस, सारे यूजर्स दे आर नाउ एलिजिबल टू ऐड, डिलीट, मॉडिफाई द डेटा इन दैट पर्टिकुलर फाइल्स, बिकॉज आई गिव द ऑनरशिप, आई ग्रांट द ऑनरशिप ऑथराइजेशन टू एवरीवन। तो सारे ऑथराइज हो गए उसको एक्सेस करने के लिए, इसलिए हम लोग ऑथराइजेशन पावर को लिमिटेड रखते हैं। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द डैक। Any problem till now? कोई चीज नहीं समझ आई throughout the lecture? No sir. Okay. Still I give you one more minute. आज के लिए इतना ही करवाएंगे, ज्यादा नहीं करेंगे because थोड़ा सा मिक्स हो रहा था। तो it's a time for a poll. A poll generate करूंगा तुम्हारी screens पे, लेकिन till the polls you are free to ask your queries जब तक ये polls चल रहे हैं। Clear? One by one, I'm just going to publish the polls on your screen. Just wait for a minute. I think the poll is visible on your screens. Attempt that poll. Okay, just wait for a second poll. Okay, just do it.
Okay, the fourth poll is visible on your screen. This is the last poll. Okay, so this is all about the today's lecture. And okay, if any query, just unmute yourself. If any queries from your side. If everything is okay, then this is the end of the class. This is all about the today's lecture. Okay, students, thanks for today's lecture. I'm going to end the class for everyone. Thank you, sir. Okay, bye.